वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने इब्तदाई दौरे जो हैं बलूचिस्तान और KPK में रख लिए हैं। आज उन्होंने कौमी असम्बली में इलेक्शन जीत के जो है हलफ ले लिया है और अब वो बतौर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ जो है वो अब बलूचिस्तान और KPK में करेंगे प्रवाद। शहबाज़ करेगा प्रवाद। पसमंदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों की फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है ताकि इन इलाकों में तरक्याती मनसूबों के साथ साथ रोज़गार के मौके भी मैसर हो सकें और इन इलाकों में भी रोज़गार हो। और जो लोग KPK और बलूचिस्तान के हमेशा कहते हैं जी पंजाब में बड़ी तरक्की होती है, सिंध वाले कहते हैं पंजाब में, अब तीनों सूबों में और गिलगित बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर तरक्याती मनसूबे जो हैं जिससे पाकिस्तान के तरक्की में भी इजाफा होगा और रोज़गार में भी इजाफा होगा और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ चोलिस्तान और रेगिस्तान के इलाके में भी कई अहम प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे उन इलाकों के जो रिहायशी हैं जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार मैसर भी होगा और उनकी इलाके में तरक्याती जो मनसूबे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे और उनकी हुलिया भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान और पंजाब के खुश्क दरिया और नहरों की बहाली के मनसूबे पर भी बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान को तजारती राहदारी के ज़रिए खुशहाल मुल्क बनाने के मनसूबे पर भी जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 22 से 23 ममालिक हैं जो राहदारी के ज़रिए पाकिस्तान में राहदारी के ज़रिए तजारत करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जिसमें फल फ्रूट, जिसमें सब्ज़ियाँ, जिसमें और भी किस्म की कारोबारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर कारोबारी का अहम तरीन जो है वो मरकज़ बनेगा और जल्द ही G20 का वो मेम्बर होगा।